आई डोंट नो, मे बी आई कुड हैव प्लेड अ बेटर गेम. मैं किसी चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, बट आई थिंक आई कुड हैव प्लेड अ बेटर गेम. बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 200% दिया था एंड आई डिड माई बेस्ट, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया था, अपना ओपिनियंस रखा था हर एक चीज़ में. आई वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, आई डिड ट्राई टू पुट अप एवरी थिंग, यू नो, इन अ वेरी डिग्निफाइड वे. कहीं शायद कुछ चूक हो गई है एंड ऑडियंस भी, मेरे फैंस भी थोड़े से दुखी है क्योंकि मैं आज बाहर हूँ. मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं बाहर हूँ, बट आई ऑल्सो सी द पॉजिटिव साइड दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. सो कुछ अच्छा होगा. अप्स एंड डाउन्स थे, हर्डल्स थे, सो ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड जर्नी. आई लिव्ड एवरी मोमेंट. कुछ कुछ चीज़ें जैसे कल वाला एपिसोड में जो फरा मैम ने बोला था, वो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ था चीज़ों को लेकर. बट वो जिस तरह से पोर्ट्रे हुआ या जिस तरह से दिखाया गया, वो रियल स्टोरी नहीं था. सो द प्रॉब्लम इज़, आप हर किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकती या एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो समवेयर यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, बिकॉज जो आपके रियल फैंस है, जो आपसे सच में प्यार करते हैं, जो मैंने सुना है, कमेंट्स देखा है एंड एवरीथिंग, आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव देम. सो आई फील जो आपको जानते हैं, जो आपके लोग हैं, आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उनको जस्टिफिकेशंस या एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं होती है. मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आई वॉज अपसेट, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट, बिकॉज मैंने जब एक स्टैंड लिया था खुद के लिए, क्योंकि जब मुझे पता चला कि द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ एंड ही इज़ एक्सट्रीमली अग्रेसिव और वट एवर, तो मैंने अपने लिए एक स्टैंड लिया. और उसके बाद 2 हफ्ते तक मैंने कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया, जबकि वो हर किसी घर वालों के पास जाके, जो आपने देखा भी है कि मेरे बारे में बात कर रहा था, उसके बावजूद भी मैंने किसी से बात नहीं की एक्सेप्ट फॉर प्रियंका. बिकॉज आप किसी से तो अपना इमोशंस, अपनी चीज़ें वेंट आउट करेंगे या डिस्कस करेंगे या बात करेंगे, आप अकेले तो वहाँ पे पत्थर की तरह नहीं बैठ सकते ना. तो उसके बावजूद भी नहीं कुछ बोला मैंने. बट हर किसी चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर डाला जा रहा था, बट मैंने वो नहीं किया था कि मैंने किसी और के ऊपर ब्लेम डाला. बहुत डिग्निफाइड वे में मैंने उनको जाके बोला, जो आपने एपिसोड में भी देखा है, कि यू नो आई टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, और अगर आपको लगता है मेरी गलती है, आई एम सॉरी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू करेक्ट माई एक्शंस, यू नो, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स. बट जब मेरे कैरेक्टर पे बात आई और जब वो मेरे साथ बार 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 डिग इन कर रहा था, पोक करने की कोशिश कर रहा था, मेरे कैरेक्टर पे बात कर रहा था, नॉमिनेट हो गया मैं तुम्हारी वजह से एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट वॉज देन बिकमिंग टू मच फॉर मी टू हैंडल. और मैंने अपने कुछ इमोशंस वेंट आउट किया था प्रियंका के पास, जिनको मैं अपना दोस्त मानती हूँ, जिसके लिए आई डोंट थिंक आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. एंड यू नो, उसके लिए भी एक गलत छवि पोर्ट्रे की गई एंड that was quite sad. So I was really hurting. Zuzu, I think some mysteries are better left mysterious. So yeah, mysteries are supposed to be mysterious. मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की सिंगल है, does that mean that you know she's a home breaker? You know, अगर आज आप सिंगल है, does it mean that you are single because you're a home breaker? I mean that is extremely a sad statement to pass on. You are single by choice and I feel कि जब तक आपको वो सही इंसान ना मिले या सही जीवन साथी ना मिले, you should not rush into decisions and it is my choice that I'm single and I'm happy being single. इसमें कोई गलत बात नहीं है. I'm independent, I'm a working woman. There are so many independent working women, strong women out there who are single. So that doesn't mean they are all home breakers, you know. So that is quite a harsh statement to pass on, but ठीक है, वो उनकी पर्सनैलिटी है, उनका स्टेटमेंट है. सो मैंने कभी किसी लड़की के बारे में गलत नहीं बोला, उसके कैरेक्टर के बारे में गलत नहीं बोला. सो दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन. सो दैट इज़ मी. मुझे बुरा लगा. मैं अंकल, ऑफकोर्स अंकल ने डांटा, वो बड़े है, जो भी है, उन्होंने जिस तरह से बोला था, ऑफकोर्स हर किसी को बुरा लगेगा. आप होते मेरी जगह पे तो आपको भी बुरा लगता. बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सुम्बुल का गेम बेटर हो गया है? यू नो, बिकॉज शी कुड टेक अ स्टैंड फॉर हर्सेल्फ. पहले का सुम्बुल देखो, हु वॉज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर फ्रेंड, और अभी का सुम्बुल देखो, हुज कम आउट सो स्ट्रॉन्गर, यू नो, हुज शाइनिंग सो ब्यूटिफुली. सो डेफिनेटली उसका गेम बेटर हुआ है एंड यू गेट टू सी अ वेरी डिफरेंट सुम्बुल. सो आई थिंक If you zoom out and see the bigger picture, it has actually worked in her favor. And you know, मेरा observation था जो मुझे दिखा और मैंने observe किया है. Not only me, बहुत सारे लोगों ने बोला है उसके बारे में. So we all have our opinions, we all have our say in the house, and that is exactly what is Big Boss House all about.
मैं कभी भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ एंड दैट इज़ हु आई एम एंड आई थिंक किसी को भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. अपना कर्म करो, बाकी सब देखा जाएगा. शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल एंड शी डिजर्व्स टू विन द ट्रॉफी बिकॉज शी इज़ रियली पुट इन एंड गिवन इन हर 200%. थैंक यू सो मच. थैंक यू.